घर में सब्जी ना हो या सब्जी बनाने का ना मन करे तो इस सब्जी को आप लोग जरूर एक बार ट्राई कीजिए बना करके। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो मूंग दाल को पहले हमने 2 घंटा पहले भिगो दिया था, जो अच्छे से भीग गया है तब इसको मैंने साफ़ कर लिया, और साफ़ करने के बाद एक मिक्सी जार में इसको हम डाल देंगे, और इसी के साथ तुरंत ही डालेंगे इसमें 1 पिंच हींग डाल देंगे इसमें। इसके बाद इसमें हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, और इसके बाद इसमें डाल देंगे साबुत जीरा, फिर इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और हरा मिर्चा और लहसुन। एक ही बार हम सभी को डाल देंगे, क्योंकि ये जो सब्जी है ना बहुत झटपट बन के तैयार होने वाली है। अब इसको हम पूरा पीस लेंगे बढ़िया से। तो देखिए एकदम हमने बढ़िया से इसको पीस लिया है। देखिए वैसे ही मूंग जो दाल होती है ना बहुत जल्दी पीस जाती है, तो देखिए हमने बढ़िया से पीस करके इसको तैयार करके रख लिया है। एक कटोरी में इसको निकाल देंगे। जो मूंग दाल है इस मतलब पीस गया है, अब मतलब पूरा तैयार है। अब इसको रखते हैं साइड में और चलते हैं अब इसका थोड़ा मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाला तैयार करने के लिए हमने 1/2 चम्मच लिया है हल्दी पाउडर, ये है पूरा 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच लेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च, इसके बाद ये है गरम मसाला। सबको मिला लेंगे और पानी डाल करके इसका बढ़िया सा घोल तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स जो मसाले हैं ना इसको हम इसलिए पहले वो कर रहे हैं जिससे मसाले अच्छे से हमारे फूल जाएं। तो देखिए जो मसाले अच्छे से फूल गए हैं, और ऊपर से इसमें मतलब जो मसालों में मैं डाल दूँगी अमचूर पाउडर, तो 2 चम्मच भर के इसमें अमचूर पाउडर डालना है और इसको भी मिला दूँगी। अगर अमचूर पाउडर आप लोगों के पास ना हो तो घर में अगर कोई भी जैसे होती है खटाई अगर रखी हो तो उसको आप लोग पीस करके बना सकते हो। इसके बाद एक घोल हमारा तैयार हो गया, अब इसको रख देते हैं चाय। इसके बाद एक कढ़ाई लेंगे और गैस पे इसको हमने रख दिया है। अब इसमें डालेंगे सरसों का तेल, तेल अच्छे से जब गर्म हो जाए तब इसमें डाल देंगे तेज़पत्ता, 1 चम्मच डाल देंगे इसमें जीरा, और ये है मेथी के दाने, और ये सब जब तड़का अच्छे से तड़क जाएंगे तब इसमें डाल देंगे लाल मिर्चा। आप लोग को जितना मतलब तीखा खाना उस हिसाब से लाल मिर्चा डाल दीजिएगा, और थोड़ा सा इसको हम भून लेंगे। और अभी तो जो गैस का फ्लेम एकदम हमने लो रखा है, और जो मसाला हमने मतलब घोल करके रखा था उसका, तो उस घोल जो मसाले के घोल है मतलब उसको इसमें हम डाल देंगे। और इसको देखिए बिल्कुल भी समय नहीं लगता है जो मसाला भूनने में, क्योंकि इसमें प्याज नहीं पड़ा है तो जल्दी से भून जाता है। देखिए जो मसाले अच्छे से भून गए हैं, अब इसमें तुरंत डाल देंगे पानी। तो पानी की जो मात्रा है फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखिए पानी हमने डाल दिया है, अब इसको थोड़ा सा चला लेंगे और इसमें डाल देंगे नमक, जो कि हमने नमक उसमें डाला है मूंग की दाल में जब पीसे हैं तो इसमें हिसाब से ही नमक डालेंगे, और इसके बाद इसको हम थोड़ा चला लेंगे। अब इसमें लाएंगे 1 उबाल। अब भी मैं जो गैस का फ्लेम है ना हाई कर दी हूँ जिससे कि जल्दी से उबाल आ जाए, और 1 पिंच हींग हम डाल देंगे इसमें। तड़के में भी डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं। देखिए ये उबाल आ गया है, गैस का फ्लेम हाई या ध्यान रखें। और इसके बाद हम चलते हैं जो मूंग की दाल को हमने पीस के रखा हुआ है उसको, और 1 चम्मच लेंगे, और चम्मच से थोड़े थोड़े करके हम मतलब जो मसाला का घोल है यानी जो ग्रेवी है उसमें हम डालते जाएंगे। तो ध्यान रखें गैस का फ्लेम अभी हाई रहेगा, और इसको मतलब जल्दी जल्दी डाल देंगे, जैसे कि इसका टेम्परेचर लो नहीं होना चाहिए, वरना जो मूंग की दाल है ना उसमें पूरे मतलब ग्रेवी में घुल जाएगा, पकेगा नहीं। तो जब गैस का फ्लेम हाई रहेगा तो डालते इसमें वो पक जाएगा। तो देखिए जब पूरा डाल देना है तो गैस का फ्लेम एकदम लो कर देना है, आप धीरे धीरे पकेगा, या मीडियम या लो कर दीजिएगा। इसके बाद इसको हम ढक देंगे, अभी चलाएंगे नहीं। तो इसको ढक करके कम से कम मीडियम सॉरी लो फ्लेम पे इसको हम 4 मिनट तक, से 5 मिनट, 4 या 5 मिनट आप छोड़ दीजिएगा और ये पक जाएगा बढ़िया से। अब इसको हम 4-5 मिनट छोड़ दिए थे, अब इसके हम चला लेते हैं। तो देखिए ये जो मूंग की दाल को हमने डाला था देखिए इसमें पक गया है,
और ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई, इसीलिए आप लोग पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा, क्योंकि ग्रेवी गाढ़ी हो गई ना। ये हमारी जो मूंग की दाल की सब्ज़ी देखिए बहुत बढ़िया बन करके तैयार है, यकीन नहीं मानिएगा आप लोग, बहुत टेस्टी हुआ। आप लोग एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट जरूर बताइएगा, और जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। हमारी वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।